पहली बार तो ये हम लोग के साथ हुए, हम लोग पहली बार इसमें शामिल हुए हैं तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। हाँ बोलिए। बहुत ही अच्छा डे था, बहुत अच्छा। ऐसा हम हर टाइम एंजॉय करना चाहते हैं, फील हो रहा है। बहुत अच्छा। लोग वेलकम टीम बनाए थे, जैसे कि जो भी चीफ गेस्ट आ रहे थे हम लोग वॉलेंटियर थे, तो हम लोग चीफ गेस्ट का स्वागत करते हैं। कुछ लोग होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, उनके पास ऐसे बहुमूल्य चीजें लेने का पैसा नहीं है, बिकॉज ये मोदी जी को, मोदी जी को, मोदी योगी जी, वोट फॉर मोदी एंड योगी, क्योंकि उनकी सरकार बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। हम उनकी सरकार में एकदम निडर होकर, सरकार है उन्हीं की वजह से हम लोग आज खुलेआम सड़क पर रात में भी घूम सकते हैं, हम लोग इतने सुरक्षित हैं, यहाँ पर कोई भी क्राइम नहीं हो रहा है, क्राइम बहुत कम होगा। नमस्कार, मैं अजीत और फराटा न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस समय हमारी मौजूदगी जनपद अंबेडकर नगर के मुख्यालय अकबरपुर के समीप हवाई पट्टी बनी हुई है और यहाँ पर जो है सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ पर जो है सामूहिक विवाह को संपन्न कराने के लिए ये जो टीम आप देख रहे हैं, यही टीम इतनी मेहनत की है और इनकी बदौलत से जो है आज सामूहिक विवाह जो है संपन्न हो पाया है। क्या क्या नाम है? मेरा नाम नीरज कुमार है। नीरज जी ये बताइए, मैं अभ्योदय फैकल्टी में फिजिक्स का टीचर हूँ जी, और ये हमारी स्टूडेंट अभ्योदय की बच्ची हैं, नीट और आईटीआई की जी। और तो आप ये बताइए यहाँ पर कितनी संख्या में वर वधु शामिल हुए? लगभग 750 के आसपास, 765 जोड़ों ने यहाँ पे अपनी रस्में पूरा की है। अच्छा, 765। तो आप ये बताइए, एक सरकारी योजना है, इसमें जो है सरकार जो है एक जोड़े के ऊपर कितना रुपए खर्च करती है? लगभग 51,000 रुपये खर्च करती है, जिसमें से 35,000 रुपये जो है उनके अकाउंट में जाएगा और 10,000 रुपये उनको जो है गिफ्ट दिया जाएगा। हाँ, गिफ्ट में क्या क्या हो सकता गिफ्ट है? गिफ्ट में जैसे पायल वगैरह उनका शौक सिंगार होता है जी, कपड़े वगैरह होते हैं जी, और फिर 6,000 उनका खर्च होता है जी। वो टोटल कुल मिला के जो है 51,000 रुपये सरकार जो है पे करती है, एक जोड़े पर 51,000 रुपये। यस जी। तो आप बताइए जो है 51,000 रुपये सरकार खर्च कर रही है ना जी, और यहाँ पर सामूहिक विवाह क्यों हो रहा है, इसका क्या लाभ है? इसका ये लाभ है, जैसे कि होते हैं कुछ लोग होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है जी, जी। उनके पास ऐसे बहुमूल्य चीज़ें लेने का पैसा नहीं, सरकार ने ये योजना स्टार्ट की है जिससे कि जो भी लोगों जिनके पास पैसे हो ना हो, सब लोग एक साथ एक समान तरीके से यहाँ पर उसका योजना का लाभ उठा सके और शादी मतलब कर सके। इस योजना का लाभ उठाने वाले के पास क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या प्रमाण ना, वो बालिग होने चाहिए, जो भी लड़की और लड़के हैं बालिग होने चाहिए जी। और फिर और आर्थिक स्थिति उनकी मतलब जिस आर्थिक हाँ उससे कम होनी चाहिए, तब फिर वो उसका लाभ उठा सकते हैं जी। जाति धर्म विशेष को लेकर क्या इसमें नियम है? कोई नियम नहीं है, हर वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं जी। इसमें हिंदू का भी शादी कराई गई है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और मुस्लिमों का निकाह, मुस्लिम की भी हुई है। हाँ, यहाँ पे निकाह हुआ है, तो निकाह कोई भेदभाव नहीं है, निकाह का अलग अलग से निकाह, उनके लिए अलग व्यवस्था लगी थी, उनके लिए अलग मौलाना आए थे, उनका अलग हुआ है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? लोग वेलकम टीम बनाए थे, जैसे कि जो भी चीफ गेस्ट आ रहे थे हम लोग वॉलेंटियर थे, तो हम लोग चीफ गेस्ट का स्वागत। समस्या हो रही थी कि हमें वहाँ उनको सजने या कहाँ जाना है, तो ये सब हमें बताना, हमारा ये सब काम था यहाँ पे। आप जो है एक प्रॉपर वॉलंटियर की तरह सहयोग कर रहे थे, अपना कार्यभार संभाल रहे थे। हाँ, हमारा यही काम था कि हमें किसी को कोई दिक्कत हो तो हमें उसके उसका समाधान देना है उन्हें। क्या आप लोग क्या करते हैं वॉलंटियर का? हम पढ़ाई करते हैं। हाँ, पढ़ाई करते हैं, नीट की स्टूडेंट। लग रहा है आज आपको मौका मिला समाज से जुड़ने का, शादी करवाने का, एक कहते ना जो है ब्राह्मण आप ही बन गए, सर्टिफिकेट मिल गया। तो ये हम लोग के साथ हुए, हम लोग पहली बार इसमें शामिल हुए हैं जी, तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। हाँ बोलिए। बहुत ही अच्छा डे था, बहुत अच्छा, ऐसा हम हर टाइम एंजॉय करना चाहते हैं, फील हो रहा है, बहुत अच्छा, सामने बहुत अच्छा दिन था। 765 लोगों के आंखों के सामने हुई, पहली बार इकट्ठा, को जूता चुराई भी दिया डीएम सर ने। क्या बात है, सबसे बड़ा जो है तोहफा इस पूरी टीम को मिला, जो साली का हकदार होता है, जो साली का जो सबसे बड़ा रस्म वही पाती है, जो जूता चुराई का। कितना रुपया मिला आपको? 10,000। हर एक को 10,000 रुपये? नहीं, 10,000 पूरी टीम को, टीम को। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, जेब में जितने थे सब उन्होंने दे दिए, 10,000 थे 10,000 दे दिए। बहुत बढ़िया, 10,000 रुपये पा गए।
अब तो खुश होना चाहिए आपको। ज्यादा खुश है हम लोग। आप लोग क्या करेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे कि नहीं? अभी जाएंगे पार्टी। यहाँ क्या करेंगे, उसको सेविंग्स में रखेंगे। सेविंग्स में? हाँ, अभी से ही बचत कर रही हैं। हाँ। क्योंकि हम लोग पढ़ाई वाले बच्चे हैं, तो इसमें हमें बुक्स लेनी है काफी, इन सब के लिए। तो ये जो योजना है सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, क्या लाभ है आप बताइए, इससे क्या समाज में संदेश जाता है? इससे मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है। आप खुश नहीं लग रही हैं लगता है। खुश है, थोड़ा सा नर्वस फील कर। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ आज। अरे, अच्छा, 765 की आपने शादी करवा दी फिर भी नर्वस फील कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। नहीं, आप अच्छा तो लगा, पहले जो हमने पूछा वो बताइए आप। हाँ, मतलब इससे समाज में क्या संदेश जाता है? जैसे कि जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं सही होती है वो यहाँ पे आते हैं और उनकी शादी होती है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत। यहाँ पे आएंगे तो शादी हो जाएगी? कुछ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, ब्लॉक के थ्रू उसका रजिस्ट्रेशन। यहाँ जितने लोग की शादियाँ हुई हैं, अगर वो हमें पढ़ना चाहते हैं, हम उसे ये संदेश देना चाहते हैं कि एक दूसरे में कम्प्रोमाइज़ करके जीने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि हम एक दूसरे पे अनमैच, जैसे आजकल चलता है कि लोग अपने पेरेंट्स को वो ख्याल नहीं करते, तो हमें वो नहीं, हमें दोनों को कम्प्रोमाइज़ करके, रिश्ता तभी होता है जब दोनों तरफ से निभाया जाए, किसी एक तरफ से रिश्ता नहीं निभाया जाता। यहाँ शादी करने वाले अपनी ज़िंदगी एक साथ कम्प्रोमाइज़ करके ही बिताएं और अच्छे से खुश रहें। कहने का मतलब आपका है एक हाथ से जो ताली नहीं बजती है दोनों हाथ को मिलाना पड़ेगा। यस सर, है ना? यस सर। तो आप ये बताइए, जो है आज भी दहेज प्रथा आपने सुना है, डाउरी सिस्टम जो है, बहन बेटियों को जला दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है, तो यहाँ पे शादियाँ तो फ्री में हो जाती है, लेकिन अगर इन्हीं जो बहन बेटियों को दहेज के लिए फिर परेशानी हो तो क्या आप लोग क्या इसमें कार्यक्रम? वहाँ पे डीएम सर ने खुद कहा है कि अगर जैसे जो भी डाउरी सिस्टम के लिए अगर कोई भी बहन बेटियों को प्रताड़ित करेगा या उन्हें कष्ट पहुंचाएगा तो वो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और उन्होंने कहा है कि उनकी जो बेटियां बोल सकते हैं कि हमें ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है, वो डीएम सर के सामने जाके आराम से कह सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है। तो आप ये बताइए, मुख्यमंत्री साहब की योजना है, कैसा लग रहा है, क्या लगता है आने वाले समय में? लोकसभा का चुनाव है आपके सामने, 2024 में लोकसभा का चुनाव है। चुनाव से क्यों जोड़े, अभी तो शादियों की खुशी है। स्टूडेंट हैं तो हम स्टूडेंट के लिए जो प्रेजेंट रूप में ये प्रेजेंट में जो ये सरकार चल रही है, तो मेरा मानना या हर स्टूडेंट का मानना, अगर वो पढ़ने में सच में वो पढ़कर आगे जाना चाहता है तो ये सरकार सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर है, बेहतर है। यस सर, बेहतर है। लड़कियों की सुरक्षा के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छी है। बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। तो देख सकते हैं बेस्ट 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 द बेस्ट हो गया और इनका जो है सरकार पे भरोसा हो गया है। भरोसा इस सरकार पे हमें बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लीडर। अभी आप लोग 18 हुए हैं कि नहीं? जी, 18 है और हम हो गए हैं। जो सरकार है उन्हीं की वजह से हम लोग आज खुलेआम सड़क पर रात में भी घूम सकते हैं, हम लोग इतने सुरक्षित हैं। यहाँ पर कोई भी क्राइम नहीं हो रहा है, तो क्राइम बहुत कम होगा। 18 हो गई है, कभी वोट दिया है कि नहीं आप? अभी नहीं, अभी 18 इसी महीने में। हाँ, इसी महीने 18 हुए हैं, इस बार तो देंगे पक्का। बहुत बहुत स्वागत देने की भी खुशी है मोदी जी को। मोदी जी को, मोदी योगी। आप बताइए जी, वोट फॉर मोदी एंड योगी, क्योंकि उनकी सरकार बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। हम उनकी सरकार एकदम निडर होके चलते हैं। बढ़िया योजना क्या लगी सरकार की? सरकार की सबसे अच्छी योजना है कि मतलब वो बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं करते, और जो सबका साथ सबका विकास। हाँ, सबका साथ सबका विकास, और जो आगे बढ़ना चाहता है उसका। बाबा का बुलडोजर क्या है? बाबा का बुलडोजर क्या है? बहुत अच्छा है, अच्छा है। हाँ, और जो जिनके ऊपर चलना चाहिए उनके ऊपर चल रहा है। बहुत अच्छी बात, बुलडोजर शांति ला रही है, बहुत अच्छे से शांति ला रही है, बुलडोजर शांति व्यवस्था कायम कर रहा है सर। तो आप देख सकते हैं जो वॉलंटियर हैं, इन्होंने अपनी पूरी शिद्दत और मेहनत से जो है 765 जोड़े जिन्होंने आज सामूहिक विवाह में शादी की रस्में जो है उसमें बंधे हैं, और उन्होंने अपनी मेहनत और त्याग की वजह से शादी संपन्न हो पाया है, और इनको जो है इनका फल भी मिल गया है, 10,000 रुपये। पूरी टीम को जो है 10,000 रुपये का प्राप्ति भी हुआ है। एक छोटा सा प्रयास अंबेडकर नगर की धरती से कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।